अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 30 सितंबर, आज के दिन मेरी बर्थडे है। ये बिल्कुल उर्वा की बर्थडे से नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे होती है। उर्वा की 28 को होती है और मेरी 30 को होती है, तो बस एक दिन का गैप होता है। लेकिन इस बार ना बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं जाकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती, क्योंकि उर्वा के बर्थडे के दिन इतनी ज्यादा मैं टायर्ड हो गई थी ना, क्लीनिंग की थी और बहुत सारे काम थे जो मैंने अकेले मैनेज किए थे, तो फिर कहीं भी मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को। मूड हमारा बहुत ज्यादा था कि हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां से खाना खाएंगे और इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ना घर पर ही केक ले आए और कुछ खाने पीने की चीजें ले आए। तो ये जी नेक्स्ट डे की वीडियो है। नेक्स्ट डे खाला के घर मिलाद है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये माशाल्लाह से रबीउल अव्वल का मंथ है, और रबीउल अव्वल के मंथ में तो माशाल्लाह से हर घर में ही बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं। और फिर आपको पता है कि मिलाद भी हर कोई करवाता है, लेकिन इस बार ना अफसोस कि मैंने मिलाद नहीं करवाया, क्योंकि मम्मा यहाँ पर नहीं है, तो फिर अकेले मुझसे ना इतनी ज़्यादा लेडीज़ मैनेज नहीं होनी थी अकेले घर पर। तो फिर ना इंशाल्लाह मम्मा आ जाएंगी तो हम लोग भी मिलाद करवाएंगे और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैं खाला के घर में आ गई थी 8 बजे, और उर्वा को सबसे पहले मैंने स्कूल ड्रॉप किया, फिर डायरेक्ट खाला के घर आ गई थी। और इस बार मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैं खाला के घर 8 बजे आई तो इलेक्ट्रिसिटी उनकी ना ऑफ हो गई, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे पावर कट हो गया, शायद अभी आ जाएगी, लेकिन नोटिस आया हुआ था कि 12:45 पे आएगी। तो हमने इतनी गर्मी में खाना बनाया ना, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि पाकिस्तान की याद आ गई और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की याद आ गई कि लोग किस तरह जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर चली जाती है तो किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं और किस तरह यार टाइम स्पेंड करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो किस तरह रहते हैं। हमें तो कसम से इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी ना कि सब गर्मी गर्मी कर रहे थे। तो खैर, लेकिन अब चीज़ें भी बनानी थी और ज़रूरी था। तो आज मैं आपके साथ क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी चिकन कोरमा की। यहाँ पर हमने अनियंस और गार्लिक लेकर ना तो इनको लाइट सा बस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बनाना होता है ना, तो फिर मैं इसी तरह करती हूँ। इसी तरह जो टोमेटोज हैं और ग्रीन चिलीज हैं ना, इनको भी अच्छी तरह से चॉप करके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी ना तो हमारे चॉपर भी काम नहीं कर रहे थे, ये हमने हैंड चॉपर के साथ सब कुछ क्रश किया है। तो ये देख लें हैंड चॉपर। तो जैसे ही अनियंस और गार्लिक थोड़े से लाइट से ब्राउन हो गए थे, फिर हम इनको हैंड चॉपर की हेल्प से ना चॉप कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना इस पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर जी स्पाइसेस प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वही स्पाइसेस हैं जो मैं आम रूटीन में यूज़ करती हूँ, सॉल्ट और पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली और कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, तो सारे वही स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगे। बहुत ही ये मज़े की बनी थी, इतनी ज़्यादा सबने खाने की तारीफ की थी ना, तो बहुत ज़्यादा सबको ये पसंद आया था। तो क्वांटिटी इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही क्योंकि आप सारे स्पाइसेस के एडजस्टमेंट ना अपनी चीज़ों के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि हमारा तो चिकन माशाल्लाह से 9 kg था, तो उस हिसाब से हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। बहुत ज़्यादा हमने स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ होती हैं ना कि कुछ स्पाइसी खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं, तो हमने बिल्कुल जो स्पाइस लेवल था ना वो नॉर्मल क्वांटिटी में रखा था कि सब इजीली खा लें और किसी को भी ना इतनी ज़्यादा स्पाइसी ना लगे कोई भी चीज़। बस ये देखें मसाला रेडी हो गया है, और फिर मैंने ना एक पैकेट ऐड किया था अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त भी आप डाल सकते हैं, आप कढ़ाही गोश्त भी डाल सकते हैं, कोई भी आप ना मसाला ऐड कर सकते हैं। मटन भी सेम इसी तरह मैंने बनाया है, लेकिन मटन का ना पहले मैंने स्टॉक निकाल लिया था और फिर मसाला बनाकर तो उसको ऐड कर लिया, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था। और सारा दिन यकीन मानिए लगे रहे, इतना ज़्यादा थक गए थे ना। इसके बाद जी अब बारी आती है कस्टर्ड को असेंबल करने की। तो इस बार हमने बनाया है फ्रूट ट्राइफल। इसकी रेसिपी आपके साथ 2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो प्रीवियस व्लॉग्स में देख लीजिएगा, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है स्वीट डिश, और सभी यहाँ पर ना बहुत शौक से ये खाते हैं। तो फिर जब कभी भी हम लोग मिलाद करवाते हैं तो हम ये ज़रूर बनाते हैं, कि आपको पता है अगर जो चीज़ सबको पसंद हो और वो शौक से खाए ना, तो फिर उसका ज़्यादा मज़ा आता है कि वही बनाई जाए और वही लोग शौक से खा लें। तो बस जी यहाँ पर बस असेंबलिंग हो रही है चीज़ों की और कस्टर्ड की।
उसके बाद इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था। और आज मुझे ना इतनी ज़्यादा अपनी मम्मा याद आ रही थी, क्योंकि जब कभी भी हमारे घर में या खाला के घर में मिलाद होता है ना, तो हम तीनों मिलकर ये सारे काम करती थी। इस बार मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन खैर वो भी वहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, तो चले हम भी यहाँ पर इंजॉय करते हैं। और इंशाल्लाह थोड़े दिनों में मम्मा आने वाली हैं, तो फिर ये सारे काम हम अपने घर में करेंगे और हमारे घर में भी इंशाल्लाह से हम मिलाद करेंगे। और इस बार वैसे ना जब सारी आंटियाँ आई थी ना, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने कब करवाना है, तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं अभी तो नहीं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में ज़रूर करवाऊंगी और आप सबको बुलाऊंगी। तो फिर सारे कह रहे थे कि हाँ चलो मम्मा आ जाएंगी ना, तो फिर आप लोग कर लेना। अच्छा जी, आप ये लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है ट्राइफ्लर की। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो हमारी पार्टीज़ में, मिलाद में या कुरान ख्वानी में होता है, वो ये होता है कि ठंडा सा पानी हो, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हो, जो सब गर्मी में पिएं और इन्जॉय करें। तो बस हम इन सारी चीज़ों को फ्रीज़र में रख रहे थे कि लेडीज़ के आने से पहले ना ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो बिरयानी बन रही है, बिरयानी की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रीशेयर नहीं कर रही। आप इसका कलर चेक करें कि कितना अच्छा कलर आया है। और इस बार मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बिरयानी बना रही थी, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ से जी स्टार्ट हो जाता है हमारा मिलाद, तो आप इंजॉय करें और देखें कि हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। दुआ हम मांग रहे हैं, दिल और दिमाग आपका कंसंट्रेशन पे हो जो हम बोल रहे हैं अल्लाह पाक से, मतलब वही हम मांग रहे हैं और तसव्वुर में खाना काबा को अपने आंखों के आगे रखें। आमीन। या रब्बिल आलमीन, तू हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर रहम अता फरमा। आमीन। या रब्बिल आलमीन, तू हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर रहम अता फरमा। आमीन। या रब्बिल आलमीन, उसकी मुश्किलों और परेशानियों को हल अता फरमा। आमीन। या रब्बिल आलमीन, तू हम सब की तमाम नेक दिली चाहत मुरादों को पूरा अता फरमा। आमीन। मांगा उसे भी कबूल अता फरमा, जो नहीं मांगा उसे भी कबूल अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि रहमत पे लाखों सलाम। बसम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी नात ख्वानी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह से इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, नाते भी पढ़ी, सलाम भी पढ़ी और बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जिन प्यारे हजूर पाक के सदके अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा और बेशुमार नेमतों के साथ नवाजा है, उन्हीं के लिए ये दुनिया बनी है। तो फिर उनकी महफिल सजाने में हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें चाहिए ना कि जिस तरह हम अपने दिन अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं।
तो उनका भी ये दिन हमें अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वैसे बचपन से ही मैंने ये देखा है कि हमारे घर में भी और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, सभी जब मिलाद का मंथ आता है ना, यानी कि रबीउल अव्वल का मंथ आता है, तो हर कोई अपने घर में ना चाहे थोड़ी सी कुरान हानी क्यों ना करवाए, ज़रूर करवाता है। यहाँ पर अब हम बिज़ी हैं खाना रखने में, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है और ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने बनाई है। चिकन बिरयानी है, चिकन कोरमा है और मटन कोरमा है, साथ में फ्रूट कह सकते हैं या कस्टर्ड ट्राइफल है, सैलड है, मिंट चटनी है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड नान है। तो बस जी यही कुछ हमने बनाया है और अपनी लेडीज़ के लिए रखा कि वो मज़े से खाएं, इंजॉय करें, और सब ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ भी की ना कि दिल खुश हो गया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।